आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर खतरनाक चक्रवाती तूफान हुदहुद दस्तक देने जा रहा है। अगले 12 घंटे के भीतर हुदहुद भीषण चक्रवाती तूफान का रूप धारण कर लेगा और 24 घंटे में ये और भी प्रचंड हो जाएगा। हुदहुद के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश के सभी जिलों और बंगाल की खाड़ी के तट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, कैबिनेट सेक्रेटरी हुदहुद चक्रवात को लेकर NCMC के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं इस चक्रवात को लेकर मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार क्षेत्र में चक्रवात के खतरे की आशंका ज्यादा बताई गई है। दुखद बात यह है कि इस चक्रवात के कारण बाढ़ आने, बिजली के तारों के टूट जाने, भूस्खलन और पेड़ों के उखड़ जाने की रिपोर्ट मिली है। लेकिन राहत कर्मचारी इस भयावह तूफान के संकट से लोगों को बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ने चक्रवात से निपटने के लिए 51 दलों का निर्माण किया है। विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर में 2 ऐसे दलों को भी नियुक्त किया गया है जो NDRF के कार्यों और संचालन पर निगरानी रखेंगे। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर चक्रवात से पड़ने वाले प्रभाव और उनसे निपटने के लिए किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से ये अपील भी की कि वे इस तूफान से घबराए ना, सरकार राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार है।